आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। में बात करेंगे एग्री कॉमोडिटीज पर और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एक्सपर्ट रूपा मेहता जी हमारे साथ बनी हुई हैं। बता दें, एग्री कॉमोडिटी में सबसे पहले नजर डालते हैं कैस्टर सीड पे। तो ये 7,300 पर ट्रेड करता दिखा है। कैस्टर सीड में गिरावट देखने को मिली है, तो रूपा जी आपको क्या लगता है कैस्टर सीड के बाजार कैसा रह सकता है? क्योंकि कैस्टर सीड का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही सीमित दायरा है 7,000 से लेकर 7,500 के बीच में। और अब आप देखिए थोड़ा बहुत करेक्शन और उसके बाद आज बाजार संभलता हुआ दिखाई दिया है। 7,300 के ऊपर एक बार फिर से जाता हुआ दिखाई दिया है, जो पिछले हम वीक में देख रहे थे 7,200 के आसपास था और इस हफ्ते की शुरुआत में भी हमने 7,200 के आसपास देखा। तो अभी एक बार 7,300 के ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। 7,340-7,360 मैक्सिमम अपसाइड इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बन सकता है, लेकिन मुझे इसमें बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी दिखाई नहीं देती है। मेरे हिसाब से छुटपुट तेजी बनी रह सकती है। वही रूपा जी, कॉटन सी रॉयल के की बात करें तो ये बता दें कि 2790 पे लगभग ट्रेड करता दिखा है और आज कॉटन सी रॉयल केक पे भी गिरावट देखने को मिली है, तो कैसा रह सकता है कॉटन सी रॉयल केक का बाजार? क्योंकि कॉटन ऑयल फीड केक की बात करें तो कॉटन ऑयल फीड केक में थोड़ा सा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है और एक बार फिर से मार्केट जो है 2800 के पास जाने की कोशिश में है। तो अगस्त वायदा हो सकता है आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहे और मार्केट जो है वो 2800 के पास निकल जाए। लेकिन आप देखिए सितंबर वायदा भी जो है 2764 पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी नहीं है। 2820 के आसपास मुझे लगता है कि बाजार अगर सस्टेन करेगा तो थोड़ा सा अपसाइड पकड़ सकता है, अदरवाइज वहां से एक बार फिर से फिसलन बन सकती है जो कि नीचे में 2700 तक हो सकती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें या ऊपर जाए तो वहां पर भी क्वाली करके चला जा सकता है। अगर ग्वार गम ग्वार सीड पे नजर डाले तो बता दे ग्वार गम 9,509 पे लगभग ट्रेड करता दिखा है, वहीं ग्वार सीड 9,228 पर ट्रेड करता दिखा। तो दोनों ही कॉमोडिटीज में आज में भी गिरावट देखने को लगभग मिल रही है, तो आपको क्या लगता है इन कॉमोडिटीज में कोई बदलाव होगा आगे? देखिए अभी भी प्रेशर जो है वो लगातार है इस कमोडिटी के ऊपर। थोड़ा बहुत संभला जरूर था मार्केट, लेकिन आज फिर से बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जब तक गम 10,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसको में मेरे हिसाब से बाइंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी वापस से करेक्शन में जा सकता है। तो फिलहाल के लिए सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखी जा सकती है। देखिए इसका जो डाउनसाइड है वो भी एक लिमिटेड अब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम डाउनसाइड जो है वो सितंबर वायदा की अगर बात करें तो 9,500 तक हो सकता है और वही अगस्त वायदा 9,400 तक जो है वो नीचे एक बार फिर से लुढ़क सकता है। तो वहां पर हो सकता है आपको नीचे एक मौका मिले बाइंग का, तो फर्दर आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वेट करना चाहिए। इन लेवल्स पर फिलहाल बाइंग को अवॉइड करें। डिप मिले तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। सीड भी 5,000 के आसपास आती है तो वहां पर अगेन बाइंग की पोजिशन बनाई जा सकती है। तो आप अभी ग्वार गम ग्वार सीड पर बाइंग को अभी थोड़ी रोक सकते हैं जैसा कि रूपा जी ने बताया। वहीं अगर रूपा जी मसाले की बात करें तो इनमें आज तेजी देखने को मिली है। बता दें धनिया 11,922 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है, वहीं जीरा 23,840 पर लगभग और वहीं हल्दी 7,788 पर ट्रेड करती दिखी है। तीनों ही कॉमोडिटीज में तेजी देखने को मिली है, तो मसाले के बाजार आगे कैसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए मसालों के बाजार में मैंने हमेशा ही यही बताया कि इसमें तेजी का रुझान है और इसमें आप बाइंग करके चलिए। और अभी आप देखिए जहां तक हम मसालों की बात करें, करेक्शन के बाद एक बार फिर से धनिया संभलता हुआ नजर आया है और मुझे लगता है कि अब यहां से धनिया बाइंग में जा सकता है। 12,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आते ही आपको 13-13.5 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। हल्दी में थोड़ी रिकवरी जो है वो धीरे धीरे एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट अभी नहीं आ रही है, तो 8,000 के ऊपर निकलेगी तब एक लंबी तेजी बनेगी, लेकिन निचले स्तरों पर ये बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक बाइंग करना चाहिए। और जहां तक जीरे की बात है, जीरे में एक अच्छा हमने बाउंड आते हुए देखा है और पिछले अगर देखा जाए तो जीरा फिलहाल हम 50-60% तक महंगा होता हुआ देख पा रहे हैं और इसका मेन रीजन भी यही है कि प्रोडक्शन काफी कम बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हमने जीरे में तेजी आते हुए देखी है। और अभी यहां से जीरा जो है 23,500 के ऊपर सस्टेन करता दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है अब जल्द ही 25,000 के स्तर भी जीरे में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जीरा अभी मुझे लगता है कि सभी मसालों में से एक अच्छा मसाला उभर कर सामने आ सकता है और एक अच्छी तेजी पर पहुंच सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि
प्राइसेस जो है वो 5 साल के अपने ऊपर वाले स्तरों पर पहुंच चुके हैं और प्रोडक्शन भी पिछले साल की तुलना में कम है और अभी जीरे के भाव पिछले साल के कंपैरिजन में काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और अभी भी यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और जीरा महंगा हो सकता है। ऑलरेडी हम 50-60% की तेजी पिछले साल के कंपैरिजन में आते हुए देख चुके हैं लेकिन अभी भी 10-20% का उछाल जो है अभी और भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं मिलने की वजह से किसानों ने जीरे का प्रोडक्शन नहीं किया और इस सरसों की तरफ डाइवर्ट हुए और उसकी वजह से हमने देखा कि प्रोडक्शन काफी हैम्पर हुआ और इस बार मंडियों में आवक भी काफी कम देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी भी 20% तक प्राइसेस जो है निचले स्तरों से ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं और अभी यहाँ पर 24-25 हज़ार का आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में ये लेवल्स हो सकता है कि एक बार छूता हुआ दिखाई दे लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऑलरेडी तेजी भी काफी आ चुकी है तो काफी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ आप इसमें बाइंग पोजिशन बनाकर चल सकते हैं। जी तो जैसा कि रूपा जी ने बताया मसालों में आप बाइंग करके चल सकते हैं इससे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो रूपा जी अगर गेहूं की बात करें तो बता दें केंद्र सरकार ने गेहूं और आटे मैदे सूजी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के बाद बता दें कि गेहूं का जो रेट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं ओपन मार्केट में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से 300 से 400 रुपए अधिक ही गेहूं का भाव चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि गेहूं का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए गेहूं में भी अभी फिलहाल तेजी है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ ये एक बात है कि एक्सपोर्ट के ऊपर अभी बैन लगा हुआ है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं वो भी वहीं पर इम्पैक्ट हैं और अभी देखा जाए तो एक्सपोर्ट अगर खुल जाता है तो वापिस से हम गेहूं के अंदर एक उठाव आते हुए देखेंगे। ऐसे में अभी सवाल काफी उठते नजर आ रहे हैं कि क्या गेहूं का एक्सपोर्ट खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्या मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन कम है जिस वजह से गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है कि यहाँ पर प्राइसेस ना बढ़ जाए। तो अभी फिलहाल देखना होगा कि आगे चलकर सरकार की तरफ से क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं और अगर गेहूं का एक्सपोर्ट खोल दिया जाता है तो काफी पॉजिटिव रहेगा ये फार्मर्स के लिए भी कि इस बार प्राइसेस उनको अच्छे मिलते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि गेहूं की कीमतों में एक अच्छी तेजी बनती हुई अब दिखाई दे रही है लेकिन बहुत ज्यादा प्राइसेस ना बढ़े इसको लेकर सरकार काफी चुकन्नी है और इस वजह से एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है। लेकिन उम्मीद पूरी की जा रही है कि जिस तरीके की मंदी बनती हुई दिखाई दे रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो हो सकता है कि गेहूं का एक्सपोर्ट कुछ शर्तों के तहत खोल दिया जाए। जी रूपा जी वही अगर खाद्य तेलों पर नजर डालें, खाद तेल की बात करें तो सरसों तेल इन दिनों अपने हाई लेवल रेट से करीब 50 रुपए सस्ते में बिक रहा है तो खाद्य तेल के बाजार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? खाद्य तेलों में तो दबाव है और अब लगातार दबाव बना रह सकता है। अगला सीजन जो है उसमें हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव रहे मार्केट लेकिन फिलहाल के लिए तो कोई उठाव नजर नहीं आ रहा है। सभी खाद्य तेलों में प्रेशर है और जिस तरीके से इंडस्ट्रीज ने भी अपने सारी पैन जो प्रोडक्ट है एडिबल ऑयल के उनकी प्राइसेस कम कर दिए हैं तो अभी ये सिस्टम जो है वो चलता हुआ दिखाई दे सकता है। सरसों सोयाबीन सीपीओ इन सब में फिलहाल दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी वही अगर कपास की बात करें तो घरेलू और विदेशी बाजारों में इस साल कपास की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू बाजार में कॉटन हाई 50,330 रुपए प्रति गांठ से 16-17% कमजोर होकर लगभग 42,000 रुपए प्रति गांठ पर आ गया है। तो आपको क्या लगता है क्या इससे भी नीचे कॉटन का भाव जाएगा? देखिए बिल्कुल कपास में अभी भी प्रेशर है और ये प्रेशर लगातार बना रह सकता है और मुझे लगता है कि अभी जो है इसका दबाव जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है। इसके अंदर फिलहाल सेलिंग में ही रहना चाहिए अभी के लिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी आप फिलहाल सेलिंग के अंदर बनाकर चल सकते हैं। आगे कैसा रहेगा अगला सीजन उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्शन आता है लेकिन हाँ अभी के लिए जो सिनेरियो है वो दबाव वाला है और इसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40,000 के करीब भाव पहुंच सकता है। जी रूपा जी अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का दाम पिछले साल 10,000 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर गया था। इस साल भी किसानों को सोयाबीन का रेट ऐसा ही रहने की उम्मीद है तो इसलिए उन्होंने बिक्री की बजाय भंडार पर फोकस किया है। तो सोयाबीन का क्या कुछ देखने को मिल सकता है बाजार में बदलाव? देखिए बिल्कुल सोयाबीन का दाम पिछली बार जो है 10,000 रुपए के
प्रति क्विंटल को जरूर पार किया था। और ये भी बात सही है कि अभी जो है काफी स्टॉक भी है लोगों के पास किया हुआ है, और देखा जाए तो अभी जो अब का सिनेरियो नजर आ रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से रेन देखने को मिल रही है, बारिश का प्रकोप है, और उसकी वजह से कहा जा रहा है कि काफी जगह पर फसलें भी डैमेज हुई हैं और आगे प्रोडक्शन भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो आगे चलकर हो सकता है कि इस साल भी अगर प्रोडक्शन पर असर आया तो आपको कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो रीजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से सरकार ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक हटाई थी इंडोनेशिया के हाल ही के फैसले से, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है सोयाबीन की कीमतों पर हमें आता हुआ दिखाई दिया और कमजोरी बनती हुई दिखाई दी। फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा तेजी की दिखाई नहीं दे रही है। आगे प्रोडक्शन कैसा रहेगा, अभी मॉनसून कैसा रहेगा, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति में बाजार जो है वो सीमित दायरे में कारोबार करते दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, इंट्राडे में ओवरऑल एग्री कमोडिटीज में कौन सी कमोडिटी ऐसी है जिसमें आगे मुनाफा कमा के चला जा सकता है? मुझे तो लगता है कि मसालों में ही एक ऐसी कमोडिटीज हैं जिनमें एक अच्छा मुनाफा आ सकता है। मसालों में बाइंग की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। मुझे यहाँ पे धनिया और जीरा और हल्दी तीनों ही कमोडिटीज काफी अच्छी लग रहे हैं। जीरा अभी भी 24,000 तक ऊपर जा सकता है और धनिया 12,500 से 13,000 तक के स्तर छूटा हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे बताया कि एग्री कमोडिटी आगे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जीरा बता दें कि 24,000 के ऊपर भी जा सकता है, वहीं धनिया की बात करें तो ये 12,000 का भी लेवल पार कर सकता है। तो वो सिलसिला बाजारों का मैं अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।